हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। चलो अब चालू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का बेसिक्स। तो सबसे पहले ये देखना है कि ये क्वेश्चन नंबर 3 में होने वाला क्या है, मतलब इन शॉर्ट बेसिक्स के बारे में ही बात करेंगे। मुझे मालूम है अपने को एक्सरसाइज सॉल्व करने का घाई है, लेकिन एक्सरसाइज सॉल्व तो तभी होगा अगर तुम लोग का बेसिक स्ट्रांग रहेगा। देखो मेन फंडा क्या मालूम है, हम लोग का टॉपिक है लॉजिकल कनेक्टिव्स। लास्ट लेक्चर में इसके बारे में ऑलरेडी हम लोग को पता चल गया था, आइडिया आ गया था, 5 टाइप के लॉजिकल कनेक्टिव्स हैं। हाँ बोलो क्या क्या होते हैं, जरा बोलो गाइस। सब लोग को चिल्ला के बोलना है, अपने आजू बाजू देखना नहीं है। क्या होता है एक और, क्या बोलते हैं इसको, और, ओके ग्रेट। इसको क्या बोलते हैं, एंड, ग्रेट यार। अच्छा ये सिंबल को क्या बोलते हैं, इफ और देन, ये हम लोग ने लास्ट लेक्चर में देखा था। और ये सिंबल को क्या बोलते हैं, IFF, if and only if। और ये सिंबल को क्या बोलते हैं, नेगेशन। बरोबर है ना, ये चीज यहाँ पर ये अपने को क्लियर हो गया था, नेगेशन बोलो या फिर नॉट बोलो, बरोबर है ना ये चीज। ये 5 के बारे में ऑलरेडी जिक्र हो चुका है। अगर जो बच्चे यहाँ पर लेक्चर नंबर 01, लेक्चर नंबर 02 देख कर आए होंगे तो उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है। जो बच्चे वीडियो नहीं देख रहेंगे लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, प्लीज डिस्क्रिप्शन में जाके देख लेना, उसका लिंक अटैच कर दिया जाएगा। ठीक है स्टार्ट करते हैं। यहां पर सीन क्या मालूम है, अगर मैंने बात किया, देखो पी, ये पी है। अगर मैंने बोल दिया नागपुर इज इन महाराष्ट्र, तो हम लोग क्या बोलते थे, पी नागपुर इज इन महाराष्ट्र। बरोबर है, नागपुर इज इन महाराष्ट्र। एक ही स्टेटमेंट है ना, ये एक ही स्टेटमेंट है, तो इसको सिंपल स्टेटमेंट बोलते थे। क्या बोलते थे हम लोग, सिंपल स्टेटमेंट। बरोबर है, लेकिन और एक दूसरा आ जाता था अगर अकेला रहता था तो ये क्या होता था, सिंपल स्टेटमेंट। इसका ट्रुथ वैल्यू बताओ, ये ट्रू है या फॉल्स है बताओ जरा। हाँ ग्रेट, बोलो बोलो क्या हो जाएगा। यस, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, टी। अब मैंने ना यहाँ पर दो चीज एक साथ लिखा, मैं बोल रहा हूँ कि क्यू, क्यू क्या मालूम है, अगर मैं बात कर रहा हूँ फाइव इज एन ऑड नंबर, फाइव इज एन ऑड नंबर। चलो ये क्लियर रखना है, फाइव इज एन वॉट ऑड नंबर, या फिर चलो मैं ऐसा लिखता हूँ तुम लोगों को फंसाने के लिए, फोर इज एन ऑड नंबर। बोलो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, इसका ट्रुथ वैल्यू सर ये ट्रू है फॉल्स है, सर ये फॉल्स है। यस ये स्टेटमेंट तो है, स्टेटमेंट है तो हम लोग इसका ट्रुथ वैल्यू बता सकते हैं। बरोबर है ना बच्चा, यस और नो। अब देखो अगर मैं बात करूंगा दोनों के बीच में, अगर मैंने और बोला, दोनों के बीच में मैंने क्या बोल दिया, और बोल दिया, तो ये क्या आएगा, दोनों के बीच में और बोल दिया तो क्या आएगा, पी और क्यू। बरोबर है ये चीज, दोनों के बीच में एंड बोल दिया तो क्या होगा, पी एंड क्यू। ग्रेट, अगर मैंने ये बोला इफ नागपुर इज इन महाराष्ट्र देन फोर इज एन ऑड नंबर, तो अब क्या बोलोगे, हम लोग बोलेंगे पी सिंगल एरो क्यू। ये सब क्या बता रहा हूँ ये चीज़ समझो ना, कि सिर्फ देखो मैंने पहले बोला ऑफलाइन वाला जो कंटेंट मैं देता हूँ ना वही मैं ऑनलाइन में दे रहा हूँ, ये चीज़ याद रखना ना। अगर मैंने ये बोला नागपुर इज इन महाराष्ट्र इफ एंड ओनली इफ फोर इज एन ऑड नंबर, इसका मतलब हम लोग बात करेंगे पी डबल एरो क्यू। बोलो ये क्लियर हो गया तुम लोग को। यहाँ पर अगर मैंने बोला नागपुर इज नॉट इन महाराष्ट्र, नॉट इन महाराष्ट्र एंड फोर इज नॉट एन ऑड नंबर, तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट लगाएंगे। चलो इसके बारे में बात ही नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ये तो सिंगल स्टेटमेंट में नॉट लगता है, सिर्फ नागिन लगता है। बरोबर ये चीज ना बच्चा, ये चीज याद रखना, इसको इंडिविजुअली इसको क्या बोलते हैं, सिंपल स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं, सिंपल। इसको भी क्या बोलते हैं, सिंपल स्टेटमेंट। ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा। अब जब मैं कंबाइन कर रहा हूँ, कंपाउंड बना रहा हूँ, तो ऐसा बनेगा। देखो टॉपिक क्या है, लॉजिकल कनेक्टिव्स। इंडिविजुअली ये क्या है, टी है। इंडिविजुअली क्या ही है, जब कंपाउंड स्टेटमेंट आता है ना, कंपाउंड स्टेटमेंट। अब बोलो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, ट्रुथ वैल्यू जब बीच में और लगा दूंगा, मतलब क्या हो रहा है, ये सिंपल स्टेटमेंट का टी है, सिंपल स्टेटमेंट का फॉल्स है, जब दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया, अब बता इसका ट्रुथ वैल्यू क्या होगा। समझ पा रहे हो, मतलब मेरा क्वेश्चन ये आएगा कि इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है, इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है और इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है। समझ पा रहे हो, मतलब सर पी, पी की जगह पे क्या है, ट्रुथ वैल्यू क्या है, टी। ये क्या है और, ये क्या है एफ। इसका कुछ तो आंसर आएगा ना, इसका कुछ तो आंसर आएगा, मिलके इन लोग या तो ट्रू देंगे या तो फॉल्स देंगे। इंडिविजुअली ट्रू या फॉल्स, इंडिविजुअली ट्रू या फॉल्स, जब मैंने कंबाइन किया, जब मैंने कंपाउंड किया है दोनों को, तो इसका भी आंसर या तो ट्रू या फॉल्स, तो ये क्या होगा, यही हम लोग को बताना है इस ट्रूथ टेबल में। समझ पा रहे हो, देखो क्या है, पी एंड क्यू, टी एंड क्यू, क्यू मतलब एफ। बरोबर है ना ये चीज, बरोबर है, इसका आंसर क्या आएगा, यही हम लोग को इस आज सीखना है। समझ के क्या सीखना है, कट टू कट, सिर्फ एक्सरसाइज सॉल्व करके मतलब नहीं रहेगा, ये तुम लोग को भी मालूम है। समझ पा रहे हो, आगे चल के एम एस टी सी टी जे डबल ई मेन्स देना है, तो यहाँ से आइडिया तो मिल गया कि हम लोग सीखने वाले क्या हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, ये टॉपिक को हटा देते हैं। अब चलो देखो, हमने ये देखा पी और क्यू, तुम लोग को ये भी तो सीखा है कि हो सकता है खुदा ना खास्ता पी क्यू आर तीन स्टेटमेंट साथ में आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देख भाई अब मैं एक कंबाइंडली बात कर रहा हूँ, पी है
ये क्यों है, बोलो याद रखा, पी है, क्यों है, किसको दिक्कत याद लग, एक भी बच्चे को पक्का पक्का चलो यहाँ पर। अब मुझे बताओ क्या हो सकता है, चांसेस क्या है, प्रोबेबिलिटी क्या है, हो सकता है सर दोनों ट्रू हो जाए, यस ये सही है, अभी जो देखा था देखो एक ट्रू था एक फॉल्स था, हो सकता है पहला वाला ट्रू हो जाए दूसरा वाला फॉल्स हो जाए, हो सकता है पहला वाला फॉल्स हो जाए दूसरा वाला ट्रू हो जाए, हो सकता है दोनों फॉल्स हो जाए, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है क्या, इसके अलावा कोई और ऑप्शन है नहीं, इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं, तुम लोग सोचो ना, तुम लोग सोचो, दो स्टेटमेंट दे दिया, मैं बोलता चल अपने मन से बता, तुम लोग बोलेंगे सर पहला वाला ट्रू ले लो दूसरा वाला फॉल्स ले लो, देखो ट्रू फॉल्स सब है इसके अंदर, मतलब ये पैटर्न में सब आ जाता है। व्हाट अबाउट अगर मैंने बात किया पी क्यू आर, चलो बोलो क्या होएगा, तुक्का मारो, हाँ बोलो, चलो अपने मन से डिसाइड कर लो, अपने मन से डिसाइड कर लो, हाँ सर देखो हो सकता है तीनों ट्रू हो जाए, यस हो सकता है, हो सकता है तीनों के तीनों फॉल्स हो जाए, हाँ सर हो सकता है एक ट्रू हो जाए एक फॉल्स हो जाए एक ट्रू हो जाए, ये सब में बहुत ज़्यादा सोचना पड़ेगा। तो बच्चा मेरा पैटर्न फॉलो कर, मैं जैसा नवी दसवीं वाले को एक प्रोबेबिलिटी चैप्टर होता ना हेड टेल वो वाला कंसेप्ट बताता हूँ, देख ध्यान से यहाँ पर हटा, ये सब सोचना पड़ रहा है, अगर मैं तेरे को एकदम सिस्टमेटिक बात करूँगा ना देख कितने आराम से करेंगे, तुम्हारे लाइफ में जब पी हो जाएगा जब की हो जाएगा ना देखो क्या करने का, क्या करने का ये देखो, यहाँ पर ध्यान से सुनो बच्चा ध्यान से सुनो, तुम लोग क्या लिखने का मालूम है, टू का स्क्वायर लिखने का, तो क्या हो जाएगा ये फोर, बोलो याद रहेगा सबको, ये बेसिक्स लो, अगर मैंने यही चीज़ ऐसा बात कर लिया, देखो पी लिख दिया क्यू लिख दिया आर लिख दिया, तीन चीज़ लिखा है तीन चीज़, तुम लोग क्या करने का मालूम है, टू के पावर में थ्री लिखने का, टू के पावर में थ्री मतलब एट, अब ये क्या है थोड़ा समझो, सबर रखो थोड़ा सबर रखो, खुदा ना खास्ता कल के दिन चार आ जाए तो क्या करोगे, चार आ जाएगा तो क्या करने का, सर कुछ नहीं पी क्यू आर एस, देखो क्या करने का, तुम लोग एक चीज़ आइडिया ले लो भाई, अच्छे अच्छे लोगों को पता नहीं होता टू रेस टू फोर मतलब कितना होगा, टू रेस टू फोर 16 होता है, प्लीज़ डोंट से टू फोर ज़ा एट, भाई तुम लोग एक बारहवीं वाले बच्चे हो, टू फोर ज़ा एट ऐसा बोलोगे तो फिर है ना नर्क में जाओगे, टू इंटू टू इंटू टू इंटू टू समझ कर चार बार करोगे तो 16 आएगा, अब ये क्या होता है टू, ये क्यों ऐसा टू के पावर में लिखा, ये देख चार बार गाना गाने का है, दो में चार बार गाना गाने का है, लिख लो दो में चार बार गाना गाने का है, चल स्टार्ट करते, टी एफ टी एफ बोलो, लिखा सिंगल टी से चालू किया था डबल टी से चालू करो, टी टी एफ एफ बोलो, ये देखो कितना इजीली सॉल्व हो गया, एक बार वापस टी एफ फिर पी के लिए क्या होगा डबल टी डबल एफ, चलो इधर भी गेम खेल लेते, यहाँ पर क्या लिखा है आठ लिखा है, चलो स्टार्ट करते बच्चा बोल क्या है, टी आठ बार गाना गाने का है, आठ बार टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ बोलो याद रखा तुम लोगों को, अब बोलो क्या है, एक बार टी से चालू किया था ना डबल टी डबल टी डबल एफ डबल टी डबल एफ बोलो, ये क्लियर हो गया, बोल बच्चा है ना, अब दो बार टी से चालू किया था ना डबल करते जा, चार बार टी कर, तीन बार मत कर देना गलती हो जाएगा बच्चे से, तीन बार कर देंगे, बोल टी 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 एफ 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 एफ, तुम लोगों अगर मेरे बात पे भरोसा नहीं है ना बच्चा, तू अपने माइंड में कुछ भी सोच देख इसके अंदर सब दिख जाएगा, तू अपने माइंड में कुछ भी सोच इसके अंदर सब दिख जाएगा, देख जैसा मैं सोचता हूँ पहला ट्रू है दूसरा फॉल्स है फिर से फॉल्स है टी एफ एफ, देखो दिख रहा है टी एफ एफ, हाँ देखो दिख गया, तू कुछ भी सोच सब दिख जाएगा, पैटर्न समझ रहा है पैटर्न समझ रहा है, चलो इसका देखते 16 है ना, चलो यहाँ पर क्या करने का टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ टी एफ कितने बार 16 बार करने का 16 बार हाँ 16 बार, आप बोलोगा डबल टी डबल एफ डबल टी डबल एफ डबल टी डबल एफ एंड सो ऑन 16 बार तक करना है, यहाँ पर दो टी लिखा था ना आप चार बार डबल करते जाएंगे टी 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 एफ 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 टी टी एंड सो ऑन, चार बार टी लिखा था अब आठ बार टी 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 आगे एफ 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 एंड सो ऑन, मेरे हिसाब से आप तुम लोग के बारे में समझ गए ना, जो बच्चा यहाँ पर पढ़ने आया वो सोच रहा है सर आपने ये टू ही क्यों लिखा, टू टू इसलिए लिखा क्योंकि तेरे पास ऑप्शन क्या होता है मालूम, पहलू या तो ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा, जिसकी वजह से यहाँ पर टू लिखा मैंने, ये समझा ये समझा ये टू क्यों लिखा जिसके क्या है क्योंकि दो ही ऑप्शन है या तो ट्रू या तो फॉल्स, समझ पा रहे इसलिए टू लिखा, ऊपर ये लिखा कि नंबर ऑफ कितने स्टेटमेंट है नंबर ऑफ, चलो एक काम करते हैं अगर मेरे पास पांच स्टेटमेंट रहेंगे तो क्या बोलेंगे टू इसलिए लिखते क्योंकि या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स, पांच इसलिए लिखते क्योंकि आप पांच स्टेटमेंट के बारे में बात कर रहे हो, होपिंग कि आप लोग को ये समझ गया, अब आगे हम लोग डिस्कस करने वाले कि किस तरह ट्रूथ टेबल बनाएंगे, प्लीज वीडियो पॉज करके दो मिनट एक बार रिकॉलिंग कर लो, एक बार चाहो तो पांच वाला बना लो, देखो 32 बनेगा प्लीज। सो गाइस अब चालू करते हैं हम लोग यहाँ पर
लॉजिकल कनेक्टिव्स, पांच लॉजिकल कनेक्टिव्स देखा। हम लोग को ट्रूथ टेबल देखना है कि कंबाइनली कंपाउंड स्टेटमेंट का आंसर क्या आएगा। देख बच्चा, चालू करते सबसे पहले शुरुआत एंड से। सोचो दो स्टेटमेंट है तुम लोग का, पी और क्यू। मेरे हिसाब से हर एक बच्चा जानता है इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा, पी लिखने का, क्यू लिखने का। बोलो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, टी एफ टी एफ। बोलो आगे क्या आएगा, टी टी एफ एफ। बोलो यहाँ तक तो क्लियर हो गया। चलो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सुनने का, यहाँ पर क्या कर रहा हूँ ये देखो। हर एक बच्चा का नज़र यहाँ पर, और सोचो कि सर आप क्या लिखने वाले। मैं इंडिविजुअली तो बता दिया, मैंने इंडिविजुअली तो बात कर लिया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करने वाले मालूम, कंपाउंड दोनों के बीच में एंड लगा दो। अगर एंड लगा दिया तो अब क्या होगा, ये अपने आप में पी का वैल्यू क्या टी, अपने आप में क्यू का वैल्यू क्या टी। अगर ये दोनों ही टी टी रहेगा तो कंबाइंड में इसका आंसर क्या आएगा, वही ट्रूथ टेबल है। देख मेरा डायलॉग याद रखने का, मैं हर एक बच्चे को बोलता हूँ डायलॉग याद रखने का। अगर तूने डायलॉग याद रखा ना तो काम हो जाएगा। ये देख क्या लिखा है, डायलॉग याद रखने का, देखो क्या लिखा है, एक बी एफ तो एफ। बोलो याद रहेगा, एक बी एफ तो एफ। ये क्या लिखा सर समझा नहीं, एक मिनट एक मिनट। दो जन का तो कंपाउंड स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू निकाल रहा है। चलो एक बी एफ तो एफ, एक बी एफ तो एफ, एक बी एफ तो एफ। चलो यहाँ पर ये क्लाउड थोड़ा बड़ा बन गया, चलेगा सर। एक बी एफ तो एफ, चलो एक बी एफ है क्या, एक बी एफ है क्या, नहीं तो टी आएगा। एक बी एफ है क्या, एक बी एफ है क्या, हाँ। एक बी एफ है क्या, यस। एक बी एफ है क्या, हाँ। अरे समझा या नहीं समझा, कंपाउंडली डायलॉग याद रखना, डायलॉग याद रखना, डायलॉग याद रखना है। एंड में क्या बोलोगे, एक बी एफ तो एफ, याद कर लो। चलो 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 चलो, एक बी एफ तो एफ, एक बी अगर एफ दिख गया ना, एक बी एफ दिख गया तो एफ। बोलो याद रहेगा, चलो चलो यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर। चलो क्या आएगा, पी, हाँ चलो देखते हैं। पी लिखा, पी लिखा, चलो थोड़ा नीचे लिखते, पी लिखा, पी क्यू। चल बच्चा अब तो ईजी हो जाएगा, टी एफ टी एफ टी टी एफ एफ। चल यहाँ पर दोनों को कंबाइंडली बात करो, कंबाइंडली बात करो, क्या आएगा बोलो, पी और क्यू। ये चीज़ याद रखना, अभी मैं ऐसा खाचा नहीं मार रहा, तुम लोग को इतना तो आइडिया लग जाना चाहिए, ठीक है। चलो 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 चलो, सर डायलॉग तो दो, डायलॉग। अच्छा डायलॉग के लिए रुका है मेरा भाई, मेरा भाई मेरी बहन डायलॉग के लिए रुकी है। देख एक भी, एक भी, एक भी, टी तो टी, एक भी टी तो टी। चलो चालू करते सर, ये बना लो, अच्छा लगता है थोड़ा, ऐसा देखने में भी अच्छा लगता है, लगता है माँ बाप अम्मी अब्बा को लगता है कि पढ़ाई कर रहा है बच्चा। चलो यहाँ पर बोलो आगे 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 आगे, पी और क्यू, पी और क्यू। चलो 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 चलो, हाँ क्या डायलॉग, एक भी टी तो टी, एक भी टी है क्या, हाँ एक भी टी है तो टी, एक भी टी है क्या, हाँ एक भी टी है क्या, हाँ एक भी टी है क्या, ना ना तो मतलब एफ। अरे इसका मतलब पूरा गेम किस पे डिपेंड है, पूरा गेम किस पे डिपेंड है, पूरा गेम किस पर डिपेंड है, बोलो डायलॉग पर। पूरा गेम किस पे डिपेंड है, डायलॉग पर। तो याद रखना मैथमेटिकल लॉजिक ऑल अबाउट वॉट, डायलॉग। अगर डायलॉग याद रख पाओगे तो बहुत आसान हो जाएगा। एंड के लिए क्या है, एंड के लिए क्या है, एक भी एफ तो एफ, और के लिए क्या है, एक भी टी तो टी, एक भी टी तो टी। चलो यहाँ पर चल 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 सर, डायलॉग सिर्फ डायलॉग दे दो बस, आगे का हम लोग कर लेंगे। डायलॉग यहाँ पर बोलो, देखो टी एफ टी एफ टी टी एफ एफ। चलो सर ये तो कर लिया, अच्छा पी, अच्छा यहाँ पर बच्चा एक बात बता, एक बात बता, ध्यान से चीजें समझना। पी एंड क्यू बोल या क्यू एंड पी बोल, आंसर तो यही आएगा। अरे समझ पा रहे हो, मतलब सर आप क्या बोल रहे, पी एंड क्यू बोल या क्यू एंड पी बोल, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। अरे बोलो, क्योंकि अपन क्या बोल रहे हैं, एक भी टी एक भी एफ, ये एफ रहे ये एफ रहे, मुझे मैटर नहीं, बस मुझे एक एफ की जरूरत है। तो इसका मतलब यहाँ पर, अरे देखना अभी सोचो, मैंने तुम लोग से पूछा टी और टी, अच्छा टी और एफ, टी और एफ, बता बच्चा ये देख क्या है, और है, और का मतलब क्या होता है, और का मतलब क्या है, एक भी टी तो टी, एक भी टी है क्या, एक भी टी है क्या, हाँ तो आंसर क्या टी। अगर गलती से मैंने इसको एक्सचेंज कर दिया एफ और टी, तो अभी भी इसका आंसर क्या आएगा, ये इक्वल, इसलिए देखो इधर इक्वल इक्विवेलेंट ऐसा देते हैं, इक्वल टू तो कोई मैटर नहीं करता। और का डायलॉग तो सेम है, एक भी टी तो टी, एक भी टी है, हाँ। तो अगर मैंने इसका मतलब क्या हो रहा है, पी और क्यू बोल या फिर क्यू और पी बोल, बोथ आर व्हाट सेम। आगे चल के मालूम पड़ेगा इसको कॉम्यूटेटिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कॉम्यूटेटिव, आगे चल के मालूम पड़ेगा, लेकिन अभी कोई मैटर नहीं करता। बोल ये समझा तुम लोग को, अरे हाँ या ना, तो मेरे हिसाब से ये समझ गया। अच्छा तीन इक्वल इसलिए दिया क्योंकि इक्वल इक्वल टू को यहाँ पर समझो तीन दांत से दिखाते, इसको लॉजिकल इक्विवेलेंट बोलते हैं, सीखेंगे सब कुछ सीखेंगे। अच्छा यहाँ पर सेम पी और क्यू बोल
या फिर क्यू और पी बोल, बोथ आर वर्ड सेम। बोलो ये क्लियर हो गया। चलो डायलॉग चाहिए ना, डायलॉग चाहिए ना, देख ये क्या लिखा है। अच्छा इसको देख के ना मेरे को है ना लड़की लोग का डायलॉग याद आता है। वो लड़की लोग बोलती है ना ए वी आर बी एफ एफ, ए वी आर वी एफ एफ, बेस्ट फ्रेंड फॉर एवर वाला। हाँ अपने को यहाँ पर क्या बोलने का, हटा उसको, अपने को क्या लेना, अपन बोलेंगे टी एफ एफ, टी वाला एफ पर भागा तो एफ। एक बार वापस क्या बोले सर, टी वाला एफ पर भागा तो एफ। एक बार वापस, एक बार वापस, टी एफ एफ। हाँ बोलते जा, बोलते जा, टी एफ एफ, एक बार वापस टी एफ एफ। चल इसको भागाते 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 भागाते, पी वाला क्यू के पीछे भाग रहा है, पी वाला क्यू के पीछे। लेकिन डायलॉग तो यही है, पी वाला क्यू के पीछे भागने दे, डायलॉग यही है। चलो पी वाला ये चलिए इसके पीछे भाग रहा है, टी वाला किस पे भाग रहा है, टी पर। अपन ने बोला टी वाला एफ पर भागा तो एफ, टी वाला किस पर भागा, एफ पर भाग रहा है क्या, एफ नहीं आएगा मतलब क्या आएगा टी। देख इसका आंसर बोल, टी वाला एफ पर भाग रहा है हाँ तो एफ, टी वाला एफ पर भाग रहा है नहीं, अरे सर एफ वाला भाग रहा है तो टी, इधर तो हरगिज नहीं आएगा। देख जरा यहाँ पर सुन, एक बार देख, पी वाला क्यू पर भाग रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है, भागा भागा भागा, लेकिन डायलॉग तो सेम याद रखना है, टी एफ एफ। चल एक काम करते, एक काम करते, क्या काम करते सर, ये देखिए क्या लिखा है, इसका मतलब, इसका मतलब, अरे सर इधर क्यों ऐसा नहीं लिखा, क्यों, क्योंकि भाई पी और क्यू बोल या क्यू और पी बोथ आर व्हाट सेम, लेकिन यहाँ पर भागने वाला सिस्टम अलग है। अरे बोल आया ना, लड़की लड़के के पीछे भाग रही है ये सीन अलग होता है, लड़का लड़की के पीछे भाग रहा है ये सीन अलग होता है। अरे बोल मानता है या नहीं मानता है, तो यही सीन है, ये समझ रहा, अपने आप में भाव तो हो तो रहेगा। यहाँ पर देखो पी वाला क्यू के पीछे भाग रहा, अब ये क्यू वाला पी के पीछे भाग रहा, डायलॉग तो सेम है, प्लीज टी एफ एफ। देख ये वाला, चल टी एफ एफ, टी वाला एफ पर भागा तो एफ, टी वाला एफ पर भागा क्या नहीं तो एफ नहीं आएगा मतलब टी, टी वाला एफ पर भाग रहा क्या नहीं, अरे समझ रहा है, क्यू वाला मैं इधर दिखा रहा हूं ताकि तुम लोग को देखे क्यू वाला पी पे भाग रहा है, लेकिन डायलॉग चेंज मत कर तू, समझ पा रहे, एफ वाला टी पे भाग रहा है तो ये टी आएगा, टी वाला एफ पर भाग रहा है हाँ तो ये एफ आएगा, टी वाला एफ पर भाग रहा है नहीं नहीं तो ये पी। अरे समझा या नहीं, ये समझा, देख बच्चा इस बुक में यही दिया रहता है, लेकिन तुम लोग ये चीज समझना चाहिए कौन किसके पीछे भाग रहा है, ये तुम लोग को दिमाग में बैठना चाहिए। बोले ये क्लियर हो गया, हाँ या ना। अच्छा यहाँ पर ये देख, पी क्यू यहाँ पर देख कौन किसके पीछे भाग रहा है सर दोनों एक दूसरे के पीछे भाग रहे हैं। अच्छा ये इसके पीछे भाग, ये इसके पीछे भाग, कंपल्सरी यही तो होता है, इफ एंड ओनली, अगर ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो ये होगा। अरे बोल हाँ या ना, तो इसमें देखो डायलॉग चाहिए ना तेरे को, मुझे मालूम है तू डायलॉग का भूखा है, मुझे मालूम है तू डायलॉग का भूखा है, टी टी एफ एफ। चल बच्चा चल चल, मैं पहले बोल रहा हूँ, यहाँ पर हम जो बच्चे हैं ना, हम जो स्टूडेंट हैं, हम जो फ्रेंड्स एकेडमी वाले ना, पढ़ाते नहीं सिखाते, तो सीख लेना भाई, समझ पा रहा। अगर शॉर्ट में चाहिए तो दूसरा वीडियो देख ले, मैं पहले बोलता हूँ, हर एक बच्चे को बोलता हूँ, अगर सीखना है तो फ्रेंड्स एकेडमी पर आ जाओ, सिखाते तो बहुत टीचर हैं, समझ पा रहे, लेकिन प्लीज़ चीज़ों को फील करते ताकि ना मेरा JEE भी क्रैक हो सके, मेरे CET एंट्रेंस लेवल भी क्रैक हो पाए, समझ पा रहे हो ये चीज़। यहाँ पर एक ही बार पढ़ के दिमाग में बैठ जाना चाहिए। चलो डायलॉग चाहिए ना, ये देख यहाँ पर सेम तो टी, सेम तो टी, सेम तो टी, सेम तो टी, सेम दिखा तो टी, अरे वाह, सेम दिख रहा है क्या नहीं तो एफ, सेम दिख रहा है क्या नहीं एफ, सेम दिख रहा है क्या हाँ टी। अरे यार ये तो बहुत ही आसान है सर, बहुत ही आसान है, बहुत मतलब बहुत ही आसान है ये। एक बार वापस डायलॉग बोल दे, डायलॉग पढ़ने का टाइम दूंगा, तुम लोगों को मेरे साथ ही पढ़ना है, टेंशन मत लो, सिर्फ अभी याद रख लो। नॉट, नॉट क्या है, अरे नॉट तो बहुत ही आसान होता है सर, ये देख पी है, ए नॉट के लिए सिंगल स्टेटमेंट में काम होता है। नॉट मतलब क्या लिखा है, अगर मैंने लिखा आशीष इज अ गर्ल, मैं अपना नाम ले रहा हूँ आशीष इज अ गर्ल, इसका अगर नेगेशन करना है ना तो बोलने का आशीष इज नॉट अ गर्ल, प्लीज डोंट से आशीष इज अ बॉय, समझ पा रहे हो। तुम लोग पढ़े लिखे लोग, ये मत बोलना कि गर्ल का अपोजिट बॉय होता है, बॉय का अपोजिट गर्ल होता है, हो सकता है ट्रांसजेंडर भी हो, इसमें हंसने वाली बात नहीं है, पहला चीज क्लियर कर लो, वेल मैच्योर हो जाओ, 12वीं में हो तुम लोग, बायोलॉजी पढ़ते हो, 10वीं में भी पढ़ते आ रहे, ये गधे जैसा जोक नहीं पढ़ने का, अरे हाँ गर्ल का ए, अबे पागला गया है, पढ़ा लिखा है तू, गवार वाली हरकत कर रहा है, बता क्या डिफरेंस रह जाएगा, समझ पा रहे, चीजें समझने का, ये सब चीज, लड़की का अपोजिट बॉय, हम लोग अपोजिट बोल ही नहीं रहा हूं, मैं यहाँ पर नेगेशन बोल रहा हूँ, नेगेशन का मतलब होता है अगर मैंने लिखा आशीष इज अ गर्ल तो इसका नेगेशन होता है आशीष इज नॉट अ गर्ल, और नॉट अ गर्ल का मतलब ये नहीं होता कि बॉय हो सकता है ट्रांसजेंडर हो सकता है जो भी, गे बोल सकते हो जो भी। देखो अपनी इज्जत अपने से हटा रहा हूं क्योंकि तुम लोग को समझना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज मेरी इज्जत नहीं, इंपॉर्टेंट चीज तुम लोग का कंसेप्ट है, समझ पा रहे। नेगेशन का मतलब क्या होता है, नॉट लगाना। तो यहाँ पर देख टी टी, अगर मैंने टी के आगे नॉट लगाया, ऑब्वियसली टी के आगे नॉट लगाया, नॉट 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 लगाया, टी के आगे नॉट लगाया तो ये फॉल्स होएगा, नॉट ट्रू मतलब फॉल्स, समझ पा रहे हो।
और नॉट फॉल्स, यहां पर देखो ये फॉल्स है तो इसका नेगेशन टू होगा। इन शॉर्ट सिंपल वर्ड में बात करो ना, टी का उल्ट नेगेशन एफ, एफ का नेगेशन टी। बोलो सॉर्टेड है ये चीज? ओके, तो एक काम करते हम लोग मिलके ना, दो मिनट का टाइम लेते, मौन व्रत रखते, किसके लिए? अबे पगला गया है पढ़ने के लिए। चलो यहाँ पर आगे आगे, एंड एंड का डायलॉग बोल, एंड का डायलॉग बोल। हाँ बोल, चल मेरे साथ बोल, एक बी एफ तो एफ, चल चल मेरे साथ बोल, मेरे साथ बोल, एक बी एफ तो एफ, एक बी एफ तो एफ, बता और का बोल, एक बी टी तो टी, क्योंकि पूरा गेम यहीं से चालू होने वाला, पूरा गेम यहीं से चलेगा, एक बी टी तो टी। इफ देन, कौन किसके पीछे भाग रहा है मैटर करता है, टी वाला एफ पर भागा तो एफ, टी वाला एफ पर भागा तो एफ, टी वाला एफ पर भागा तो एफ, इफ एंड ऑनली, सेम तो टी, सेम दिखा तो टी, सेम दिखा तो टी, नॉट तो अपने को बचपन से आता है, समझ में रहे? चलो दो मिनट का टाइम लो, दो मिनट का टाइम लो, चलो 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 चलो, पढ़ो 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 सब लोग, हर एक बच्चा यहाँ पर पढ़ने की कोशिश करेगा, हर एक बच्चा चल 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 पढ़ ले, तेरे लिए बता रहा हूँ। चलो कोई एडिटिंग नहीं, कोई एडिटिंग नहीं, चलो 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 चलो, डन 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 डन, चल 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 पढ़ 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 रहे, आगे पीछे मत देख, आगे पीछे मत देख, ये काम आएगा वो काम नहीं आएगी, चल चल चल, नोटिफिकेशन आने दे, आने दे आने दे आने दे, उसका नोटिफिकेशन ब्लॉक कर दे, हटा उसको चल डन, एक बार वापस, एंड हाँ बोल, एक बी टी, एक बी एफ तो एफ, और एक भी टी तो टी, टी वाला एफ पर भागा तो एफ, दोनों सेम तो टी, नेगेशन। अब आते, तुम लोगों को तकलीफ देना चालू करता हूं, इसको ना टेक्निकली नाम होता है, नाम मतलब सर, देख ये एंड जो दिख रहा है ना, अब इसका नाम सुनो, कितना अच्छा लग रहा था लैंग्वेज, एंड इसका नाम सुनो, एंड को क्या बोलते हैं, देखो मैं कैसा बोलता हूँ ये चीज़ याद करना, मेरे बच्चे लोग को बोलते याद करना तकलीफ हो रहा है, पता है एसी जो तेरे आजू बाजू तुम लोग का बड़े बाप के बेटे लोग हैं, अंबानी के बेटे लोग हैं, आजू बाजू घूमना है, एसी का फुल फॉर्म पता है अपने को? हाँ, एयर कंडीशनर, बहुत सही है बहुत सही। तो देखो मैं कैसा बोलता बच्चे लोग को, देख ये ए है ना, तो इसका दूसरा नाम याद रखने का, दूसरा नाम याद रखने का, ए है ना, इसका नाम दूसरा होता है एसी ना, कंजंक्शन। क्या बोल, क्या गंदा नाम है सर, अरे क्या करे, मजबूरी है, याद रख याद रख, अपने को कैसा पिंटू को पिंटिया, राजू को ये राजिया, इकड़े ये वैसा महाराष्ट्र में वही समझता है, एंड को क्या बोलते हैं, कंजंक्शन। लेकिन सर ये पेट नेम नहीं, उसको लग रहा है कि डरा रहा है अपने को, अरे बच्चा तू याद तो करते को काम आने वाला ये सब चीज, एंड को क्या बोलने का, कंजंक्शन। बोल एक बार वापस, एंड को क्या बोलने का, कंजंक्शन। तू फिलहाल तू इतना ही याद रखेगा, लेकिन ये बताना है टीचर का काम होता है, एंड को क्या बोलेगा, कंजंक्शन। देख दूसरा, और को क्या बोलेगा, इसका उल्टा तेरे को क्या फील आ रहा है, डिसजंक्शन, डिसजंक्शन, कंजंक्शन, यहाँ पर डिसजंक्शन। बोलो याद रहेगा तुम लोग को, याद रहेगा बच्चा, कंजंक्शन और डिसजंक्शन में तकलीफ लेने का नहीं, एंड ए सी, ए सी ए सी ए सी, एंड आया तो सी आएगा, एंड आया तो सी आएगा, सी में क्या आता है, कंजंक्शन। बोल हाँ या ना, बोलो याद रहेगा तुम लोग को। चलो यहाँ पर, यहाँ पर इफ और देन, इफ और देन, ये याद रखना, इफ देन मतलब कंडीशन है, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, इसलिए इसका नाम है कंडीशनल, कंडीशनल नाम है इसका, कंडीशनल, क्या नाम है, कंडीशनल। सोच इसका क्या, इफ एंड ओनली, ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा, दो कंडीशन है, दो को इंग्लिश में क्या बोलते, बाय टाटा वाला, बाय कंडीशनल। अरे सर ये तो मजा आ गया, याद भी हो रहा है मजा भी आ रहा है। अरे बोल इसका तो नाम पहले से याद है, नेगेशन, चिल्ला चिल्ला के गाली भी दे दिया आपने हम लोग को, दो तीन वर्ड भी सुना दिया, मैं तो बिना ईयरफोन का सुन रहा था लेक्चर, लेकिन अभी समझ गया कि ईयरफोन लगाना पड़ेगा, क्योंकि सर कुछ भी बोल देंगे इज्जत ले लेते क्या करे भाई, एक टीचर एक पेरेंट्स दोनों सेम होते हैं, समझ पा रहे हो, दोनों ही चाहते हैं कि बच्चे का सक्सेस हो ये चीज़ याद रहेगा। यहाँ पर ए सी कंजंक्शन हो गया, डिसजंक्शन हो गया, कंडीशनल, एक कंडीशनल है, दो कंडीशनल तो बाय कंडीशनल, नेगेशन। देख बच्चा इसका एक और नाम आता है, इसका एक और नाम आता है, हर एक बच्चे को पता होना चाहिए, कंडीशनल को, देखो तकलीफ पे तकलीफ, तभी तो एक स्ट्रांग बंदा बनेगा तू, ये समझ रहा है। कंडीशनल को ना इम्प्लीकेशन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन, कंडीशनल को और क्या बोलते हैं, इम्प्लीकेशन, इम्प्लीकेशन, एक बार वापस बोले, इम्प्लीकेशन। बाय कंडीशनल को क्या बोलेंगे, हाँ सर बाय इम्प्लीकेशन, रुक तेरी वर्ड सही है लेकिन इसको बोलने का डबल इम्प्लीकेशन। देख इतने सारे चीज़ें ना नाम याद रखने का, हर एक बच्चा ना नाम याद रखने का, ये क्लियर रहेगा। यहाँ पर नोट क्या है मालूम है, पी वाला अगर क्यू पे भागेगा तो ये इक्वल नहीं होता क्यू वाले के पी पे, लेकिन यहाँ पर तो दोनों इक्वल होते हैं। अरे समझ पा रहे हो या नहीं, देखना P और Q दोनों का अलग अलग वैल्यू आ रहा है, देख इसका T है इसका T है, इसका F है इसका T है, अलग अलग होता है,
समझ पा रहे हो? तू ये दोनों का और कर, ये दोनों का और कर, दोनों का मीनिंग सेम होता है। ये दोनों का एंड कर, ये दोनों का एंड कर, दोनों का मीनिंग सेम होता है। चलो अब 2 मिनट का टाइम तुम्हारा है, प्लीज रिवाइज करना, फिर आगे का वीडियो प्रोसीड करना। सो गाइस अब चालू करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 अपने महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का। जैसे इसके पहले 2 वीडियो हो गया था, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था, अब यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले। देख बच्चा बहुत ही आसान होता है, तू बस मेरे लेक्चर को तू सीरीज में देख। देख मैं तेरे से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, जो भी वीडियो देखेगा ना तू सीरीज में देख, तेरे को एक अनमैचेबल कंटेंट भी मिलेगा और एक अनमैचेबल टीचिंग जो तेरे को लगता है वो बोलना तू यहाँ पर। लेकिन ये बता रहा हूँ कि इसके बाद तुमको कुछ भी डाउट नहीं आने वाला है। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। देख राइट द ट्रूथ वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग, मुझे इसका ट्रूथ वैल्यू चाहिए, इसका ट्रूथ वैल्यू चाहिए, मुझे इंडिविजुअल का नहीं चाहिए, मुझे इसका चाहिए ट्रुथ वैल्यू। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये कुछ और है, कंपाउंड स्टेटमेंट है। चलो एक काम करते, कंपाउंड को ना पहले सिंपल सिंपल वाले में तोड़ लेते हैं। देख अपने को मालूम है 4 इज एन ऑड और 1 इज अ प्राइम, दो चीज दिख रहा है, दोनों के बीच में क्या है और लगा है। तो हम लोग पहले वाले को क्या बोलते हैं पी और दूसरे वाले को क्या बोलेंगे क्यू, बराबर है? सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा बोलो, सिंबॉलिक फॉर्म क्या हो जाएगा? द सिंबॉलिक फॉर्म इज व्हाट? पी और क्यू। ये तो हो गया, ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर 2 तक। क्वेश्चन नंबर 2 में यही किया था अपन ने, बराबर है ये चीज। अब क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को ट्रुथ वैल्यू निकालना है। ट्रुथ वैल्यू हम लोग को किसका निकालना है? इसका नहीं, इसका नहीं, इसका कंपाउंड का ट्रुथ वैल्यू निकालना है, सिंपल का नहीं। सिंपल का तो ट्रुथ वैल्यू मालूम है। देखो ट्रुथ वैल्यू क्या होगा, ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, क्यू आर। चलो इसका ट्रुथ वैल्यू क्या, पी का 4 ऑड नंबर होता है, फॉल्स है। एंड क्यू क्या होता है? 1 इज अ प्राइम, अरे प्राइम 1 तो भाई प्राइम नंबर कहाँ से चलो, तो 2 से। प्राइम नंबर मतलब जो खुद के टेबल से आता है, 2, 3, 4 नहीं बोल सकते। क्यों नहीं 4 बोल सकते? क्योंकि 2 के टेबल में आता है। 5, हाँ 6 नहीं सर, ये 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, हटाओ। 7 मेरे हिसाब से ये क्लियर हो गया तुम लोगों को, ये क्लियर हो गया? अरे हाँ है ना बच्चा, बोल क्लियर हो गया। अच्छा 46 बता, 46 सर नहीं रहेगा, 2 के टेबल में भी आता है और 23 के टेबल में भी आता है, 2 × 23 या 23 × 2, अरे बराबर है क्या? ये क्लियर होना चाहिए प्राइम नंबर। और 1 इज नेदर अ प्राइम नॉर अ कंपोजिट, जो प्राइम नहीं होता उसको कंपोजिट नंबर बोलते हैं, बोलो याद हो गया? चलो बता 1 इज अ प्राइम, फॉल्स है ये भी, बोलो ये क्लियर हो गया है ना? आगे तुम लोग है ना रिस्पेक्टिवली लिख दो, क्यों रिस्पेक्ट देना ऐसा कुछ नहीं, तुम लोग तो किसी को रिस्पेक्ट नहीं देते, तुम लोग पटेल लोग है। रिस्पेक्टिवली का मतलब पहले तुमने पी लिखा ना तो उसका आंसर एफ है, क्यू है ना तो दूसरी बार क्यू लिखा तो दूसरे का एफ है, समझ पा रहे हो? नहीं लिखा तभी भी चलेगा, सिंपल वर्ड में बात कर, लोकल लैंग्वेज में रिस्पेक्ट देना तो दे, नहीं देना तो मत दे, लेकिन लिखना जरूर, समझ पा रहे? रिस्पेक्ट फॉर्मेलिटी के लिए दे। तेरे को इसका नहीं पूछा, इसका नहीं पूछा, तेरे को इसका पूछा कंपाउंड। तो अब तुम लोग को मालूम पड़ेगा ट्रूथ वैल्यू, मार्क माय वर्ड, ट्रूथ वैल्यू ऑफ कंपाउंड स्टेटमेंट ऑलवेज डिपेंड ऑन द ट्रूथ वैल्यू ऑफ सिंपल स्टेटमेंट। कंपाउंड का ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करता है कि सिंपल स्टेटमेंट का ट्रूथ वैल्यू क्या है। देयरफॉर ये देखो इसका ट्रूथ वैल्यू हो गया इसका, अब इसका बताना है। देयरफॉर ट्रूथ वैल्यू ऑफ किसका चाहिए अपने को, पी और क्यू इक्वल टू यहाँ पर नहीं दोगे चलेगा, इक्विवेलेंट का साइन डालो, इक्विवेलेंट। चलो पी का क्या है, पी का क्या है एफ और क्यू का क्या है एफ। अच्छा बच्चा ये देख, ये और है, और का डायलॉग क्या था? हाँ बोल, पेज पलट स्क्रीनशॉट देख ले, चल देख हाँ, एक बी टी तो टी, एक बी टी है क्या? नहीं, तो इसका आंसर एफ आएगा। तो फाइनल आंसर कैसे लिखने का ये देखो, ट्रुथ वैल्यू, मैं 2 मार्क्स के लिए बात कर रहा हूँ, ट्रुथ वैल्यू ऑफ गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट लिख या तो सिर्फ स्टेटमेंट लिख इज एफ। ये समझ गया कैसे करना है? अब पहला सम इसलिए इतना डिटेल में किया, बाकी सब इतना करने की जरूरत नहीं होगा। चल बच्चा देख, 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर एंड देख लॉजिकल कनेक्टिव मिल गया। तुम लोगों को याद होगा पहले लेक्चर में मैंने बताया था, एंड दूसरे लेक्चर में एंड वाइल इंस्पाइट नीदर नॉर, अरे वाह सर याद है। 64 को इज अ परफेक्ट स्क्वायर दे दो और 46 इज अ प्राइम नंबर। ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी, पी का क्या है ट्रुथ वैल्यू बोलो, पी का ट्रुथ वैल्यू क्या है, पी का ट्रुथ वैल्यू क्या है? परफेक्ट स्क्वायर मतलब समझता है जो किसी इंटीजर का स्क्वायर हो। जैसे 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 5 का स्क्वायर क्या होता है 25। ये जो दिखता है ना इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, बोलो याद रखा सबको, अरे बोल बच्चा। ये जो दिखता है ना इसको परफेक्ट स्क्वायर बोलते हैं, इसको परफेक्ट स्क्वायर मत बोलना। बताओ 6 परफेक्ट स्क्वायर है क्या? इस लाइन में नहीं आता वो, किसी का मतलब उसका स्क्वायर रूट निकलता है क्या? सिंपल वर्ड में इसका स्क्वायर रूट आता है क्या? नहीं। तो जैसे 4 का स्क्वायर रूट 2 आता है ना, हाँ चलेगा, समझ पा रहे हो? तो बोलने का हाँ, ये देखो ये 8 होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा टी एंड
क्यों का 46 इज अ प्राइम नंबर अभी बात किया, नहीं भाई ये फॉल्स है, लेकिन अपन ने इंडिविजुअल निकाला है, अपने को क्या चाहिए कंपाउंड, कंपाउंड मतलब क्या आएगा, ए समझ गया ना। अरे सर आपने पहले तो सिंबॉलिक फॉर्म तो लिखना चाहिए था ना, चलो ठीक है सिंबॉलिक फॉर्म क्या होगा, अब इतना डिटेल में नहीं जाना चाहिए लेकिन स्टिल सिंबॉलिक फॉर्म, सिंबॉलिक फॉर्म बोलो 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर पी एंड क्यू। चल अभी ट्रुथ वैल्यू बताओ, ट्रुथ वैल्यू किसका, ट्रुथ वैल्यू ऑफ, चलो फटाफट वीडियो को स्पीड करके देख लो, पी एंड क्यू आर, पी का ट्रुथ वैल्यू क्या है, ये ट्रू है, एंड क्यू का ट्रुथ वैल्यू क्या है, फॉल्स है, लेकिन अपने को तो ट्रुथ वैल्यू इसका चाहिए कंपाउंड का, ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू इक्वल दे दे, पी का ट्रुथ वैल्यू टी, ये एंड क्यू का एफ, एंड का डायलॉग क्या है, एक भी एफ तो एफ, एक भी एफ है क्या, हाँ बोलो ये क्लियर हो गया, इजी है बच्चा, चलो इसका करो, चलो एक काम करो वीडियो पॉज करो, वीडियो पॉज कर दिया डन। चलो यहाँ पर क्या किया रहेगा, 5 इज अ प्राइम नंबर पी, अरे बोल आया ना, एंड इसको क्या दे दिया रहेगा क्यू, बोलो ये क्या दे दिया रहेगा क्यू, चलो पी का ट्रुथ, ये बोलो ये क्या है, ट्रू है या फॉल्स है, 5 प्राइम नंबर होता है, यस ट्रू, 7 डिवाइड करता है क्या 94 को देखते, 794 को डिवाइड करते 7 8 9 दो बचा 4, अरे बराबर है कि नहीं, नहीं 3 21 नहीं डिवाइड करता है तो ये तो फॉल्स है, अरे बोलो ये क्लियर हो गया कि नहीं बच्चा, ये क्लियर हो गया, बोल दे हाँ या ना, तो इसका आंसर मिल गया टी एंड एफ, एंड क्या होता है, एंड का मतलब क्या होता है, एक भी एफ तो एफ, तो फाइनल आंसर एफ आएगा। तो एक काम करेंगे अभी वीडियो पॉज करके तुम लोग आगे के जो 4 सम बाकी है उसको सॉल्व करो, फिर मैं डिस्कस करता हूँ, 2 मिनट का पॉज करो, जैसे एक ऑफलाइन में पढ़ते हैं ना हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे, ठीक है बच्चा, वीडियो पॉज करके आगे के सॉल्व करो। चलो गाइस होपिंग कि आप लोगों ने ज़रूर कोशिश किया होगा, चलो यहाँ पर देख लेते, यहाँ पर 4th वाला, इट इज़ नॉट ट्रू, पहले तो नॉट को हाईलाइट करो क्योंकि ये एक लॉजिकल कनेक्टिव है, ये ट्रू को भाव मत दो, तुम लोगों को याद होगा हम लोग क्या करते थे, नॉट को लिखने का नहीं, नॉट को छोड़ के क्या लिखा है, इट इज़ ट्रू डैट 5 - 3 इज अ रियल नंबर, तो यहाँ पर देख बच्चा लेट पी लिखोगे डायरेक्टली, ये समझ लिखो इट इज़ ट्रू डैट, डायरेक्टली लिखो 5 - 3 इज़ अ रियल नंबर, मैंने लास्ट लेक्चर में थोड़ा बात भी किया था कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, इज़ अ रियल नंबर। चलो सिम्बॉलिक फॉर्म बताओ, ये एक ही स्टेटमेंट है, प्लीज़ डोंट से कंपाउंड है, मतलब सर लॉजिकल कनेक्टिव्स ऑफिशियली देखा जाता है तो 5 है, लेकिन फ्रेंड्स एकेडमी वाले टीचर मतलब आशीष सर बोले 4 ही है, क्योंकि नॉट तो सिंगल स्टेटमेंट में भी लग रहा है, सिंगल स्टेटमेंट में ही लग रहा है, अरे बराबर है कि नहीं, अरे समझ पा रहे हो ये चीज़। तो यहाँ पर ये होने के बाद अब सिम्बॉलिक फॉर्म लिख लेते हैं, सिम्बॉलिक फॉर्म बच्चा एक बात बता, हम क्या बोल रहे हैं 5 - 3 इज अ रियल नंबर, लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है उसका सिम्बॉल बता, बोल, वो बोल रहा है कि ये हम लोग बोल रहे 5 - 3 इज अ रियल नंबर, वो क्या बोल रहे 5 - 3 इज नॉट अ रियल नंबर, मतलब हमारे वाले में आगे नॉट लगाना है, अरे मतलब समझ गया नेगेशन पी, अरे याद आया ये नहीं, ये इसका हो चुका था अपना, अपन बोल रहे 5 - 3 इज रियल नंबर, लेकिन क्वेश्चन बोल रहे इट इज नॉट अ रियल नंबर, मतलब हमारे वाले स्टेटमेंट में आगे नॉट लगा दो। चलो स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, अरे बोलो आया ना, सबसे पहले क्या करेंगे, ये मेन है, अब ये कंपाउंड तो नहीं है, चलो मतलब पहले इसका ट्रुथ वैल्यू, ये सिंपल स्टेटमेंट, उस अपने को फाइनल इसका ट्रुथ वैल्यू चाहिए, तो चलो ट्रुथ वैल्यू ऑफ पी इज, चलो बताओ पी 5 - 3 बोलो, सिर्फ इसके बारे में देखो, क्या 5 - 3 इज अ रियल नंबर, नहीं सर आई दिख रहा है, आयोटा दिख रहा है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर है तो ये फॉल्स है, देयरफॉर ट्रुथ वैल्यू ऑफ जो क्वेश्चन में दिया है, ट्रुथ वैल्यू ऑफ फाइनल ऑफ नेगेशन पी इक्वल टू व्हाट, नेगेशन का नेगेशन पी के जगह पे इसका ट्रुथ वैल्यू क्या है एफ, और एफ का नेगेशन क्या होता है टी होता है, बोलो ये क्लियर हो गया, अरे है ना, इट मींस व्हाट, ये जो बोला जा रहा है वो सच्ची में सही बात है, ये बोल रहा है कि ये ट्रू तो नहीं है ना कि 5 - 3 इज अ रियल नंबर, हाँ ये सही बात है, हटा दो नहीं समझा तो हटाओ इसको। चलो ये देख, इफ और देन, मेहनत मत करो गरीब से क्यों, चलेगा यहाँ पर, चलो बोलो ये ट्रू है या फॉल्स है, डायरेक्टली बोलो 3 - 5 = 15 होता है, ये फॉल्स हो गया क्यों, 3 + 5 = 8 होता है, ये भी फॉल्स हो गया, ए सिंगल एरो का डायलॉग क्या है, सिंगल एरो का डायलॉग क्या है, टी वाला एप पर भागा तो एफ, अरे बराबर है ना, टी वाला एप पर भाग रहा है क्या, नहीं तो ये टी आएगा, अरे बोलो ये क्लियर हो गया, देखो ऐसा फटाफट करने का। चलो इसका मिल्क इज वाइट इफ एंड ऑनली, चलो बच्चा इसको हाईलाइट करो, ये क्या तेरा पी है, ये क्या तेरा क्यू है, तो चलो इसका स्टार्ट करते हैं, पी ऐसा कुछ तो
बोलो ये क्लियर हो गया। चलो ट्रूथ वैल्यू निकालो, ट्रूथ वैल्यू, मिल्क इज व्हाइट, हाँ सर काला दूध देखा है तूने, नहीं, अच्छा तो इसका ट्रूथ वैल्यू क्या आएगा, टी यहाँ पर, अरे समझ पा रहे हो अभी स्पीड बढ़ाने का, क्यों, स्काई इज ब्लू, हाँ ग्रेट, स्काई इज ब्लू होता है यहाँ पर। एक्चुअली अगर मैं तुम लोग से ज़्यादा डिस्कस करने की कोशिश करूँ ना, इसमें स्काई इज ब्लू, हाँ जो बचपन का प्यार था ना, स्काई इज ब्लू, हाँ सही है, लेकिन जैसे बड़े होते गए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आते लगे, तो हम लोग को ना लाइफ में ना सनसेट सनराइज वो ऑरेंज ऑरेंज चीज पसंद आने लग गया, तो स्काई मे बी अ वॉट, मे बी वॉट ऑरेंज, अरे बरोबर है कि नहीं, अरे हाँ या ना, ये ओपन सेंटेंस कह सकता था, लेकिन तुम्हारे सिलेबस में कहीं पर भी इसको ओपन सेंटेंस नहीं बोला है। स्काई इज ब्लू ये डिपेंड करता है, देखो ना स्काई इज ब्लू, ठीक है स्काई इज ब्लू, अभी दोपहर के टाइम में देखेंगे स्काई इज ब्लू, ठीक है, लेकिन सनसेट के टाइम स्काई इज वॉट ऑरेंज हो जाता है, ऐसा कुछ बोल सकते हैं अपन, मैटर नहीं करता, अभी अपन स्काई इज ब्लू मतलब ट्रू ही मान के चलेंगे। डिस्कशन करना जरूरी है क्योंकि बच्चे लोग के 100 में से एक बच्चे के माइंड में डाउट जरूर आता है, तो उसका भी डाउट क्लियर होना चाहिए, 99 का तो अपने आप क्लियर हो रहा है, समझ पा रहे हो ये चीज, तो देख डबल एरो, टी रहेगा तो टी, अरे बोलो यस यस और नो। चलो 24 इज अ कंपोजिट नंबर, कंपोजिट मतलब जो प्राइम नंबर नहीं होता, देख और लिखा है, और 17 इज अ प्राइम नंबर, यस, तो यहाँ पर क्या है पी और क्यू। चलो कंपोजिट के बारे में बात कर लो, ये समझते ना एग्जाम में कैसा लिखने का, ये तुम लोग का लुकआउट है। चलो कंपोजिट नंबर है, हाँ कंपोजिट नंबर मतलब जो किसी ना किसी के टेबल में आता रहेगा, हमेशा टू से ही चालू करो, वन ना ही कंपोजिट है ना ही प्राइम है, बोलो कंपोजिट ये ट्रू है, यस ट्रू, और क्यू का बताओ प्राइम है या क्या है, प्राइम है, ट्रू है, अच्छा और का डायलॉग, एक भी टी तो टी, फाइनल आंसर आ गया टी, बोले ये क्लियर हो गया, फाइनल आंसर आ गया टी। अब तुम लोगों को मजा आने वाला है, इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना एंट्रेंस लेवल पे एमसीक्यूज लेवल पे दो दो मार्क्स का आता है, बहुत ही आसान होता है ये सब चीज़ें, तुम लोगों को बस डायलॉग याद रखना है, प्लीज़ इसको कॉपी करो, नेक्स्ट वाला ट्राई करो, इसी वीडियो में अपन कंप्लीट करते हैं। सो गाइस एक काम करते हैं हम लोग, इसके बाद वाले वीडियो में हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं, क्योंकि इस वीडियो का लेंथ ऑलरेडी 35 से 40 मिनट्स का हो चुका है, तो हम लोग एक काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में ही प्रोसीड करते हैं, तभी अपना लिंक भी बैठेगा और ज़्यादा बोर भी नहीं होगा, समझ पा रहे हो, टेक अ वॉट, तुम लोग 5-10 मिनट का ब्रेक ले लो और नेक्स्ट वीडियो को तुरंत प्रोसीड कर दो, डायरेक्टली नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक फ्रेश हो जाओ और डायरेक्टली इस वीडियो के बाद जरूर देख लेना, लॉगिंग आउट।